कि आपको पता है हम एक बाथरूम में कितना टाइम स्पेंड करते हैं और उसकी परेशानियों में या उसके जद्दोजहद से कितना परेशान होते हैं। हाय, मेरा नाम शशांक जैन है, वेलकम टू माई चैनल वुडोफा। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन में जरूर क्लिक कर देना। मैं आपको बहुत सारे वीडियोस, टिप्स एंड ट्रिक्स देता हूँ घर एंड घर के इंटीरियर्स के बारे में। तो आज मैंने ये वीडियो बनाया है कि एक बाथरूम को डिज़ाइन कैसे करें, एक बाथरूम के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स होने चाहिए और बाथरूम की स्टोरेज स्पेस को कैसे इनहांस करें। अगर आप इन सब चीज़ों का आंसर चाहते हैं तो ये पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और आखिरी में मैंने एक लग्जरी बाथरूम को डिज़ाइन करा है, वो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत कुछ मैंने डिज़ाइन किया है और आपको बहुत अच्छा लगेगा कि बाथरूम में ये सारे एलिमेंट्स का ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। गाइज, जब हम बाथरूम को डिज़ाइन करते हैं तो सबसे पहला काम क्या करना होता है, हमें बाथरूम के एरियाज़ को डिवाइड करना है। जैसे आप ये देख रहे हैं, सिंगल डोर बाथरूम है, यहाँ पर और कोई डोर नहीं है इस पूरे बाथरूम के अंदर। तो यहाँ पर तीन एरियाज़ इसको हमें डिवाइड करना है। सबसे पहले ड्राई और वेट जोन के बारे में हमें बात करनी है कि ये दोनों जोन्स अलग अलग कैसे उसको सेट करेंगे। तो ड्राई जोन होता है जिसके अंदर आपका पानी नहीं हो, जैसे आपका टॉयलेट हो गया या आपका बेसिन हो गया। वेट जोन वो होता है जहाँ पर नहाने का एरिया होता है। तो मे बी आप जैसे इस जोन को वेट जोन बना सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पर बेथिंग ले लिया तो ये पूरा एरिया आपका ड्राई में हो सकता है। तो जनरली मैं बोलता हूँ कि बाथरूम डोर के सामने सीट नहीं होनी चाहिए, तो मे बी यहाँ पर आप एक वॉश बेसिन प्लान कर सकते हैं। तो ये बेसिन अगर यहाँ होगा और यहाँ या तो इस डायरेक्शन में सीट हो जाए या इसकी दूसरी वाली वॉल पे भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी बाथरूम के साइज़ के ऊपर। तो आप देख सकते हैं ये वेट जोन हो गया और ये ड्राई जोन हो गया। तो पानी को डिवाइड करने के लिए कि जैसे यहाँ पर पानी डिवाइड हो जाए, तो आपने ये एक पार्टीशन का रोल प्ले करा और जिससे कि इस एरिया को आप डिवाइड कर सके। अभी मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि इसके अंदर क्या क्या कर सकते हैं इस एरियाज़ को डिवाइड करने के लिए। तो अगेन कोशिश आपको ये करनी है कि जो सूखा एरिया है उसे अलग कर दो और जो थोड़ा सा पानी वाला एरिया जहाँ पर पानी आएगा उसको अलग कर दो। सो ये एक ऑप्शन हो सकता है आपके बाथरूम की प्लानिंग का। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अभी यहाँ पर दो डोर्स हैं। जब दो डोर्स होते हैं बाथरूम में तो सबसे बड़ा, जैसे कोई अटैच बाथरूम है या कोई गेस्ट बाथरूम है, इसको आप वेरियस पर्पज़ में यूज़ कर सकते हो। अगेन जोनिंग तो वही है, ड्राई और वेट की हमें करनी है, पर इसमें यह भी देखना है कि दोनों डोर्स के सामने सीट्स ना आए। तो जनरली क्या देखा गया है कि जब ऐसे दो एरियाज़ होते हैं तो मे बी जो क्यूबिकल है तो उसको वेट जोन इस तरीके से बनाया जा सकता है कि अलग से एक छोटा क्यूबिकल, ज़्यादा बड़ा नहीं, मे बी साइज़ आप इसको 4 फीट या 4 फीट रख सकते हैं, या आपके पास 4 फीट की जगह नहीं है तो 3.5 फीट बाय 3.5 फीट भी इसको साइज़ रखा जा सकता है। बाकी जितना एरिया होगा इस बाथरूम का, ये अगेन दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। ये सारा ड्राई है तो या तो यहाँ पर आप अपनी सीट लगा लीजिए, यहाँ पर सीट आ सकती है और यहाँ पर आपका एक अच्छा वॉश बेसिन काउंटर आ सकता है। सो आप देखेंगे कि सीट इसके सामने भी नहीं आई और ये डायरेक्शन भी दूसरा हो गया और यहाँ पर आप पूरा का पूरा ड्राई जोन बना सकते हैं। अगेन इसको डिवाइड करने के लिए मल्टीपल एलिमेंट्स हैं, मैं अभी इसी वीडियो के दौरान बात करूँगा कि क्या एलिमेंट को आप यूज़ कर सकते हो इसको डिवाइड करने के लिए। तो ये एक ये ऑप्शन हो गया। अब आप देख सकते हैं तीसरा एक ऑप्शन ये है जिसके अंदर दरवाज़ा तो एक है पर थोड़ा रेक्टेंगुलर शेप नहीं है बाथरूम। कई बार हमने देखा है कि बाथरूम की थोड़ी साइज़ कम है, फॉर एग्जांपल ये 6 फीट बाय मे बी 7 फीट है या मे बी 6 फीट बाय 6 फीट है, तो ज़्यादा जगह नहीं है बाथरूम में। तो आप क्या करोगे जब ऐसे छोटे बाथरूम्स हो जाएंगे, तो कोशिश यही करनी है कि जो एरियाज़ हैं वो ड्राई और वेट जोन में ही डिवाइड हो। पर अगर नहीं भी हो पा रहा है और ये दोनों इंटरमिंगल कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसको भूल के आप उस एरिया को, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका वेट एरिया है तो इस कोने में आपका एक बेथिंग एरिया आ सकता है एंड यहाँ पर आपकी सीट आ सकती है एंड इसके सामने अगेन एक वॉश बेसन आ सकता है। तो ये सीट हो गई, ये बेथिंग हो गई और ये बेसिन हो गया। पर क्योंकि ये बहुत पास पास है और इतनी जगह में भी नहीं है, कई बार ये 7 फुट भी नहीं मिल पाता, कई बार ये सिर्फ 4 फीट या 5 फीट ही रह जाता है, तो ये जगह बहुत कम हो गई। तो 4 फीट होगा तो नहीं हो सकता, अगर 5 फीट होगा तो फिर भी ये चीज़ अचीव की जा सकती है। अगेन इसके डिवाइड करने के, मैं पार्टीशंस के बारे में अभी बात करूँगा कि ये कैसे डिवाइड हो सकते हैं। तो आप ये तीन हिस्सों में आप सोचो कि मोटा मोटी आपको अपना बाथरूम डिफाइन करना है, एरियाज अलग अलग रखने हैं। ये अगेन वेट एरिया है जो कि मे बी इसके साथ थोड़ा कनेक्ट हो सकता है और ये सारा ड्राई एरिया है।
सो अब आपने प्लानिंग के बारे में समझ लिया, ड्राई वेट जोन के बारे में समझ लिया, अब दूसरा काम क्या है कि इसमें क्या क्या एलिमेंट्स यूज़ हो सकते हैं बाथरूम के अंदर। देखो बाथरूम में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स एक तो वॉश बेसिन होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो एक हर बाथरूम में ज़रूरी है। एक WC होती है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड ए सीट, और एक नहाने का एरिया होता है जिसको बोलते हैं बाथ। अब इस बेथिंग एरिया के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स किए जा सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आपके पास कितना बड़ा बजट है और कितना बड़ा बाथरूम है। सो एग्जांपल यहाँ पर आपने बेथिंग के लिए एक डाइवर्टर लगा लिया, एक स्पाउट लगा लिया और एक शावर लगा लिया। मे बी अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा है तो आप इसको और या इसको बॉडी स्पा या बॉडी जेट भी लगा सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा वॉल क्रिएट करवाना पड़ेगा यहाँ पर अपने कॉन्ट्रैक्टर को बोल के, और अगर आपका कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पर एक वॉल क्रिएट कर देगा तो आपके लिए ये एक बॉडी स्पा या बॉडी जेट लगाने की सिचुएशन बन जाएगी। पर ये ज़रूर ध्यान रखिएगा ये जो एरिया ये मिनिमम 3 फीट का होना चाहिए, इससे कम एरिया में वैल्यू नहीं आती है और आपको थोड़ा सा नहाने में प्रॉब्लम होती है। वॉश बेसिन के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स एंड स्टाइल्स हैं, वो हम डिफरेंट वीडियोस में बात कर लेंगे। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि वॉश बेसिन के साथ आपको यहाँ पर एक टैप चाहिए। टैप या तो वॉल माउंटेड हो सकता है या फिर टेबल माउंटेड हो सकता है। WCs भी बहुत सारे तरीके की आती हैं, तो WCs या तो फ्लोर माउंटेड हो सकती हैं या फिर वॉल माउंटेड हो सकती हैं। तो दोनों में अपने अपने एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस होते हैं, आपके बजट के ऊपर आपको चूज़ करना है कि आपको क्या लेना है। तो ये एलिमेंट्स हैं जो आपको बाथरूम में ध्यान रखने होंगे। अगर आपके पास बाथरूम में साइज़ है तो आप दूसरे एलिमेंट्स के बारे में सोच सकते हो, पर ये प्राइमरी फेसी एलिमेंट्स हैं जो आपको चाहिए ही चाहिए। अब आपको तीसरा एलिमेंट है जो इसमें ध्यान रखना है, ये जो मैंने सेपरेट करे थे एरियाज़ अभी थोड़ी देर पहले वीडियो में, ये किस चीज़ों से सेपरेट हो सकता है। या तो यहाँ पर आप या तो यहाँ पर जो हम एरिया सेपरेट करने की बात कर रहे हैं, या तो इसे ग्लास पार्टीशन से आप सेपरेट कर सकते हैं, या अगर जगह नहीं है तो आप शावर कर्टेन ले सकते हैं सेपरेट करने के लिए। मेरा पर्पस है कि पानी उधर ना जाए, या और भी जगह नहीं है तो आप यहाँ पर एक छोटा सा पत्थर का थोड़ा सा थड़ा जिसको हम बोलते हैं ब्रेकर, तो वो एक ब्रेकर बना सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज मार्बल ब्रेकर, ये फ्लोर में लग जाएगा तो पानी जो है बाहर नहीं जाएगा और आपका पूरा बाथरूम थोड़ा ड्राई ही रहेगा। ये एक तीसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इसको डिवाइड करने के लिए। सो अभी तक मैं आपको याद दिला दूँ, हमने 3-4 एलिमेंट्स के बारे में बात कर ली। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो है स्टोरेज। हर बाथरूम में स्टोरेज की नीड सबसे ज़्यादा है, तो आप उसे कहाँ लेके जा सकते हैं। कई बार बाथरूम में उतनी जगह नहीं होती तो उसी बाथरूम में आपको स्टोरेज यूज़ करना है, तो आप ये बेसिन के नीचे स्टोरेज के लिए एक वैनिटी बना सकते हैं। ये वैनिटी का पर्पस यही है कि आपको स्टोरेज मिल जाए, और अगर कई बार आपको वैनिटी बनाने का भी पैसा नहीं है और आपको लग रहा है कि नहीं मैं नहीं बना पाऊँगा, तो आप वॉल के अंदर नीशेस अगर आप क्रिएट करवा सकें तो वॉल के अंदर नीशेस क्रिएट करा सकते हैं। तो ये नीश के अंदर आप अपना स्टोरेज शैम्पूज़ वगैरह वगैरह रख सकते हैं। अगेन ये सेम नीश आपके बेथिंग एरिया में भी बन सकती है, तो कई लोगों को बहुत पसंद होता है ये नीच बनाना, तो यहाँ पर भी आप नीच बनवा सकते हैं। और या फिर अगर ये सब भी नहीं कर पा रहे हैं तो एक्सेसरीज़ लगा लीजिए। तो बहुत सारी तरीके की एक्सेसरीज़ आती हैं जो आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो भी बनाया है बाथरूम एक्सेसरीज़ के बारे में, तो आप उसको देख सकते हैं और बहुत सारी एक्सेसरीज़ के बारे में पढ़ के समझ के अपने बाथरूम में लगा सकते हैं। सो अब मैं आपको एक लग्जरी बाथरूम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो लग्जरी बाथरूम के अंदर आप क्या क्या चीज़ें डाल सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ। कई बार अभी बहुत लोगों को फैंटेसीज एंड फैंसीज होती हैं बाथरूम की, जैसे आप देख रहे हैं इस बाथरूम का साइज़ ज़्यादा बड़ा है, तो आप देख सकते हैं कि 10x8 का या 10x10 का बाथरूम है, तो आप कोने में एक बैथ टब या जकूजी लगा सकते हैं। ये अच्छी खासी स्पेस है, इसके लिए ज़्यादा स्पेस नहीं चाहिए। अगर आप कुल मिला के 6x4 का जगह आइडेंटिफाई कर पाएँ, उतनी स्पेस आप जकूजी के लिए दे दें, दैट विल बी इनफ। और उसके बाद जो जगह बचेगी उसके अंदर आप अपना बेथिंग एरिया बना सकते हैं। मे बी यहाँ पर आप एक बेथिंग एरिया बना दीजिए जिसके अंदर आप अपना शावर एंड अपना क्यूबिकल एंड जो भी चीज़ और बनाना चाहते हैं वो बना सकते हैं। जो बाद में जगह बची तो वहाँ पर एक जगह सीट और एक जगह आप अपना वॉश बेसिन भी लगा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बाथरूम काफ़ी खुला खुला लग रहा है और बड़ा बड़ा लग रहा है, तो यहाँ पर तो सीट आ गई आपकी,
और उसके बाद ये बेसिन, ये बेदिंग और ये बैथटब एंड जकूजी का काम पूरा हो गया। तो जनरली इंडिया में ये चार फैंटसीज़, ये चार एलिमेंट्स ज़रूर चलते हैं अगर आप लग्जरी बाथरूम की बात करें। और अगर थोड़ी और जगह है तो जो स्पेस यहाँ बच जाएगी, इसके अंदर आप अपनी एक वॉकिन क्लोज़ेट के बारे में भी सोच सकते हैं। और अगर आप वो क्लोज़ेट सोचें तो उसको भी लग्जरी, मैंने अभी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं क्लोज़ेट के बारे में, तो वो सोच के एक अच्छी लग्जरियस क्लोज़ेट भी इस बाथरूम के अंदर प्लान कर सकते हैं। दिस आपको इन सब के अंदर कौन सा अच्छा बाथरूम लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने सारे बाथरूम्स को कवर करने की कोशिश करी है और मैंने आपको बहुत सारे आइडियाज़ दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं जो बाथरूम में ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लोगों को भेजें। मैंने और भी वीडियोस बनाए हैं बाथरूम एंड बाथरूम की एक्सेसरीज़ के बारे में, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, उनको ज़रूर देखें। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक कर दें, घंटी को बजा देना, वो आपको बहुत सारा कुछ इन्फॉर्मेशन देती रहेगी मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। थैंक यू सो मच।